जैन दोस्तों मित्रों, जैसे कि आपको पता है ये हमारा एंगल चूड़ी बनाने का पूरा एपिसोड चल रहा है। यहाँ देखा आपने ट्यूब फॉर्मिंग मशीन, इसमें पत्ती से कटिंग करके पाइप बनाया जाता है छोटा बड़ा, और उसकी हॉलो पाइप बनाया जाता है, बैंगल बनाई जाती है, मतलब ऐसी ऐसी रिंग बनाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर कटिंग होती है रिंग की, फिर यहाँ पर चॉपिंग होती है, स्टपिंग होती है और ड्रिलिंग होती है, कंप्लीट हो जाती है। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारी रिंग्स ऐसी होती हैं जो डिजाइन वाली होती है, यानी प्लेन पत्ती जो होती है उसके ऊपर डिजाइन होती है। तो इस पत्ती के ऊपर अपन डिजाइन कैसे बनाएंगे, उस मशीन के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो भैया चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और चलो दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये होती है हमारी छोटी सी मशीन, यहाँ इसमें एक मोटर लगी है, ये स्पीड कम ज़्यादा करने वाली होती है। तो ये छोटी सी मशीन है, इसमें जो डिजाइनिंग है वो देखिए यहाँ से होती है, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये नीचे नहीं है, ऊपर ही डिजाइन है, नीचे से चल रही है। इसके अंदर जो भी अपन पत्ती वगैरह डालेंगे, ऊपर से दाब लगाएंगे, इसको चलाएंगे तो डिजाइन बन जाती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप ये सब चेंज भी कर सकते हैं, इसके जो अलग अलग तरीके के बेलन आते हैं अलग अलग डिजाइन के, वो चेंज कर सकते हैं। तो मित्रों अगर आपको इस मशीन की रेट जाननी है तो हमें कमेंट करिए। थैंक यू।